हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका रीनू विकास ब्लॉग में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं भकोसा बोल सकते हो, इनको दाल के फरे भी बोलते हैं। तो हम इनको बनाने जा रहे हैं एकदम यूपी स्टाइल में बनाएंगे। तो इसके लिए हमने चने की दाल को रात भर भिगो के रख दिया था और सुबह में इनका पानी निकाल दिया है। अब हम पीस लेंगे और पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे, ऐसे ही हमें पीसना है बिना पानी के। और थोड़ा दरदरा पीसना है, एकदम महीन नहीं पीसना है। तो हम इसमें दो हरी मिर्ची डाल के और दरदरा पीस लेंगे। तो ये देख सकते हो दाल पीस गई है। और अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर और ले लेंगे गरम मसाला, हींग, और ये हरी मिर्च और धनिया है। धनिया थोड़ी 2-3 दिन पुरानी है इसलिए ऐसी दिख रही है। और नमक डाल दिया है और हम अच्छे से मिला लेंगे। तो बिल्कुल यूपी स्टाइल में बनाएंगे, यूपी में बनते हैं ऐसे भकोसे, तो वैसे ही बना रहे हैं। और हमने मिला लिया है। अब हम इनको 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, तब तक हम आटा लगा लेंगे। तो हमने गेहूं का आटा लिया है और इसमें हम डाल देंगे रिफाइंड ऑयल और नमक और हम अच्छे से मिला लेंगे आटे में को अच्छे से मिला लेंगे। और फिर इसके बाद हम पानी डाल के थोड़ा थोड़ा और आटे को हम मार लेंगे, अच्छा सा डो बना लेंगे। और हमें ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है और ना ही हमें ज़्यादा टाइट करना है। जैसे हम रोटी बनाते हैं ना, वैसे ही हमें आटा गूंथना है। तो मसल मसल के अच्छी तरीके से आटे को हम गूंथ लेंगे। और ये देख सकते हो आटा गूंथ गया है। तो हम अब 10 मिनट के लिए आटे को रख देंगे, आटा हमारा अच्छे से सेट हो जाए। और 10 मिनट हो गए हैं तो अब हम चलो भकोसे बनाते हैं। तो हम आटे की लोइयां बना लेंगे। जैसे हम रोटी बनाते हैं ना, वैसे ही हम लोइयां बना लेंगे। और आटा लगा के बेल लेंगे। और ज़्यादा पतली नहीं बनाना है हमें, ना ज़्यादा ही मोटी बनाना है। जैसे हम रोटी बनाते हैं ना, वैसे ही हमें बनाना है। तो देख सकते हो ऐसे रखना है। और अब इसमें हम चारों तरफ से पानी लगा देंगे जिससे अच्छे से चिपक जाए। तो हम चारों तरफ से पानी लगा देंगे और इसमें 2 चम्मच भर के जो हमने दाल रखी थी वो डाल देंगे, वो रख देंगे इसमें। और पलट कर हम चिपका देंगे, अच्छे से चिपका देंगे। देखो तो ये देखो गुजिया जैसी बन गई है। तो मैं ऐसे ही बना लेंगे, ऐसे ही हम दूसरा भी बना लेंगे। और ऐसे ही हम करके सारे भकोसे हम बना के तैयार कर लेंगे। तो ये देखो सारे भकोसे बन गए हैं। और यहाँ पे हमने गैस पर पानी रख दिया था जो बॉयल हो रहा है, देख सकते हो पानी बॉयल हो रहा है। तो हम इसमें ही धीरे धीरे से सारे भकोसों को डाल देंगे। तो हमने सारे भकोसे डाल दिए हैं इसमें पानी में। और हम 15 से 20 मिनट के लिए पकने देंगे। हम 15 से 20 मिनट बाद देखते हैं तो ये अपने आप से ही पानी के ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि पक जाएंगे तो सारे तो पानी के ऊपर आ जाएंगे। तो देखो तो सब पानी के ऊपर है, तो मतलब पक गए हैं। तो हम गैस को कर देंगे बंद और एक प्लेट में निकाल लेंगे। बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में, ज़रूर एक बार ट्राई करना। तो 5 मिनट के लिए हमने छोड़ दिया था ऐसे ही ठंडे हो जाएं थोड़ा। तो 5 मिनट बाद हमने इन भकोसों के एक भकोसे में 4 टुकड़े किए हैं। तो ऐसे कट करके सबको रख लेंगे। तो सारे भकोसों को हमने कट करके रख लिया है। और अब हम इनको फ्राई करेंगे, देख सकते हो ऐसे लगते हैं।
तो हम इनको फ्राई करेंगे। तो हमने कढ़ाई रख दी है गैस पर और इसमें डाल दिया है सरसों का तेल। आप जौन से तेल में बनाना चाहते हो वो वाली बना सकते हो, जो भी कुकिंग ऑयल आप यूज करते हो उसमें बना सकते हो। तो हमने यहाँ सरसों का तेल लिया है, तो हम इसमें डाल दिया जीरा और डाल देंगे राई और अब डाल देंगे हम करी पत्ता और हमने चॉप करके प्याज रखा है वो डाल देंगे। और हम थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक हम प्याज को भून लेंगे। अब डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर और गरम मसाला और हम अच्छे से पका लेंगे मसालों को। और अब इसमें से डाल देंगे थोड़ा सा अमचूर पाउडर और नमक। तो नमक डाल दिया है और अमचूर पाउडर डाल दिया है। अमचूर पाउडर इसलिए ना थोड़ा सा खट्टापन आ जाए इसलिए हम अमचूर पाउडर डाला है। और अब हम जो भकोसे बना के रखे थे वो डाल देंगे और अच्छे से 5 मिनट तक हम चलाते रहेंगे, जिससे है ना सारा मसाला भकोसे के अंदर चला जाए। तो 5 मिनट तक बराबर चलाते रहेंगे और पकाते रहेंगे। 5 मिनट बाद देख सकते हो आप कितने अच्छे बने हैं, यम्मी यम्मी टेस्टी। तो अगर आपको पसंद आई हो तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना और बताना कैसे बने हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना कैसे बने हैं भकोसा। और एकदम हमने यूपी स्टाइल में बनाए हैं, यूपी में ऐसे ही बनते हैं। तो यहाँ पे हमने प्लेट में सर्व करके रख लिया है और ये हमने अमचूर की चटनी ली है, खट्टी मीठी बहुत टेस्टी लगती है खट्टी मीठी चटनी के साथ। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय।